नमस्कार। भारत का बृहत भूगोल की इस कक्षा में MA उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। पिछले वीडियो में हमने उत्तर पूर्वी मानसूनी काल और उसकी दो प्रमुख ऋतुओं शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने शीत ऋतु के विभिन्न जलवायु लक्षणों को समझा। उस ऋतु में होने वाले जलवायुवीय परिवर्तनों और विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी ली। इस वीडियो में आज हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करेंगे। मैंने प्रारंभ में बताया था, यह ऋतु मार्च से लेकर मध्य जून तक रहती है। वस्तुतः मार्च प्रारंभ से या मध्य मार्च से लेकर पूरा मार्च, फिर अप्रैल, फिर पूरा मई, उसके बाद लगभग मध्य जून तक यह ग्रीष्म ऋतु रहती है। बहुत अधिक उच्च तापमान, गर्म तीव्र धूल भरी आंधियाँ इस ऋतु की प्रमुख विशेषताएं हैं। इन 4 महीनों मार्च, अप्रैल, मई, जून, चूंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लगभग लंबवत रहता है, अर्थात सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत रहता है, तो इस मौसम में उत्तरी भारत में या संपूर्ण भारत में हमें वर्ष का जो अधिकतम सूर्य ताप है इन महीनों में प्राप्त होता है। बहुत अधिक सूर्य ताप प्राप्त होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। वस्तुतः इस ऋतु में मई और जून सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं। अब यहाँ पर मैं पुनः आपका एक छोटा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, सूर्य की स्थिति। यदि हम ग्लोब पर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा की स्थिति को समझें, तो पृथ्वी के घूर्णन और परिभ्रमण के कारण वर्ष के अलग-अलग समय सूर्य और पृथ्वी का सापेक्ष स्थितीय बदलाव रहता है। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सबसे लंबवत स्थिति में होता है, उस समय हमें भारत में सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है। वस्तुतः सबसे बड़ा दिन इसीलिए 21 जून को कहा जाता है। यदि इसके विपरीत बात करें, अर्थात 21-22 दिसंबर, उस समय सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर लंबवत होती है। इस कारण से हमारे भारत में, उत्तरी भारत में सबसे कम सूर्य ताप प्राप्त होता है, फलतः उस समय शीत ऋतु की अवस्था होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो ऐसी तिथियां हैं जब सूर्य की स्थिति भारतीय परिप्रेक्ष्य में विषुवत रेखा पर लंबवत होती है, फलतः इनके आसपास हमें औसत तापमान प्राप्त होता है। तो ये जो सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति है, यही भारतीय मौसम को निरूपित करती है। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार मझोले किस्म के प्रश्न में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन स्थिति को स्पष्ट कीजिए। यदि हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें, मई और जून सर्वाधिक गर्म महीने हैं। अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त होने के कारण अधिकांश भारत में, तटवर्ती भागों को छोड़ दो, तापमान बहुत उच्च बना रहता है
औसतन 32 डिग्री से 35 डिग्री तक तापमान बना रहता है। इसी समय उत्तरी भारत या पश्चिमोत्तर भारत या पश्चिम भारत के बहुत से क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान, तेलंगाना, यहाँ तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर पहुँच जाता है। और यदि हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो तापमान 46-47 डिग्री से भी ऊंचा पहुंच जाता है। लेकिन इसी समय जो उच्च पर्वतीय भाग है या उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर ऊंचाई के कारण मौसम सुहावना बना रहता है। वहीं दक्षिणी भारत के तटवर्ती भागों के किनारे वाले भाग या जो तटवर्ती प्रदेश हैं, वहाँ समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण तापमान पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत जैसा बहुत उच्च स्थिति तक नहीं पहुंचता। अधिक सूर्य ताप के कारण उत्तरी भारत में अब धीरे धीरे निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने लगता है, विशेषकर पंजाब, राजस्थान या निम्न पर्वतीय भागों में अति न्यून दाब का क्षेत्र विकसित होने लगता है। जबकि इसी समय अब धीरे धीरे हिंद महासागर और उसके समीपवर्ती भागों में अब उच्च दबाव का क्षेत्र विकसित होने लगता है। अब चूंकि हिंद महासागर और समीपवर्ती भागों में उच्च दबाव का क्षेत्र है, फलत है हवाएं अब उच्च भाग से निम्न दबाव की तरफ अग्रसर होने के नियम अनुसार समुद्री भागों से स्थलीय भागों की तरफ चलना प्रारंभ करती है। चूंकि इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती है, इसलिए इसे इस ऋतु के लास्ट में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। चूंकि ग्रीष्म ऋतु के अंदर बहुत अधिक उत्तरी भारत में निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाता है, फलत है हवाएं मध्य जून के अंत तक धीरे धीरे दिशा में बदलाव करने लगती है। इस ऋतु की सबसे प्रमुख विशेषता है, इस ऋतु में गर्म धूल से भरी शुष्क हवाएं चलती हैं, जिन्हें उत्तरी भारत में लू के नाम से जाना जाता है। इस मौसम में भी वर्षा प्रायः कम होती है, लेकिन स्थानीय रूप से पूर्वी तटीय एवं पश्चिमी दिशा में तीव्र वेग वाली नमी युक्त हवाएं विकसित होती है। उन हवाओं से बंगाल, केरल, आंशिक हिमालय, छोटा नागपुर पठारी भाग आदि क्षेत्रों में काल वैसाखी, चाय वर्षा, फूलों की बौछार या कॉफ़ी वर्षा जैसी स्थानीय वर्षा होती है। इन स्थानीय वर्षाओं के नाम उस स्थान विशेष और वनस्पति के आधार पर दिए गए हैं, जैसे काल पंजाब या आसपास क्षेत्र में होने वाली वर्षा, इन्हें काल वैसाखी कहा जाता है। जबकि आसाम क्षेत्र में इस मौसम में जो वर्षा होती है उसे चाय वर्षा, कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसे कॉफ़ी वर्षा, दक्षिण भारत के जिन भागों में वर्षा होती है उन्हें फूलों की बौछार, और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इसे आम वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रीष्म ऋतु की सबसे बड़ी विशेषता गर्म धूल से भरी तीव्र हवाएं, जिन्हें लू कहा जाता है, हर वर्ष बड़ी संख्या में इस लू से उत्तरी भारत, तेलंगाना इत्यादि क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं। ये कुछ प्रमुख
वर्षा, पवन, वायुदाब और तापमान संबंधी लक्षण थे। ग्रीष्म ऋतु के इस ऋतु के अंत तक हवाओं की दिशा में बदलाव होना शुरू हो जाता है और हवाओं की दिशा अब उत्तर पूर्व की बजाय दक्षिण पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ कर देती है। फलतः इसे दक्षिणी पश्चिम मानसून कहा जाता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। धन्यवाद।